इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर वीडियो परफॉर्मेंस कभी कभी हमारा नहीं आता है या फिर नहीं आ रहा है, इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसा इशू आता क्यों है YT स्टूडियो के अंदर, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे आपने कोई वीडियो डाली, ठीक है, उस सिचुएशन में रियल टाइम व्यूज़ जो भी हैं वो भी इनकरेक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एकदम डली हुई वीडियो पर एकदम बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो उन पर कभी कभी हो जाता है ऐसा, सर्वर अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन वीडियो परफॉर्मेंस देखिए बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आप रीच पर देख लें, तो रीच पर यूट्यूब सर्च से एंड सबसे यहाँ पर चीज़ें एक साथ रहती हैं। अब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि यहाँ पर न्यू वीडियो पर ये आना में दिक्कत हो जाती है और उस सिचुएशन में कमेंट वगैरह में भी दिक्कत आ जाती है। तो एटलीस्ट 24 घंटे का आप वेट करिएगा, ज़रूरी है 24 घंटे का वीडियो, अगर आप वीडियो परफॉर्मेंस को सही तरीके से देखना चाहते हैं किसी भी वीडियो का, ठीक है, किसी भी वीडियो का अब वो डिपेंड कर सकता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर वीडियो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो सब पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये टोटल सब जगहों से आ गया, एक्सटर्नल साइट से भी। अब देखिए, हम न्यू वीडियो को देखते हैं, यहाँ पर जो हमारी न्यू वीडियो रहती है उसमें हम यहाँ पर अभी देखते हैं 55 सेकंड पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी, 5 मिनट हो गई है, अब इसको खोलते हैं तो व्यूज़ तो दिखा रहा है लेकिन ऑडियंस रिस्ट्रिक्शन 0। रियल टाइम व्यूज़ में भी दिक्कत आ सकती है, ऐसी बात नहीं, सब में दिक्कत आ जाती है। एंड यहाँ पर देखिए, नो डेटा सो, कोई सा भी डेटा सो नहीं होता। अब अगर बहुत पुरानी वीडियो है तो उसमें बग चल रहा होगा, तो अगर उसमें बग चलता है तो आपको YT स्टूडियो को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना चाहिए, ठीक है। YT स्टूडियो सर्च कर दीजिए और अपडेट आ रहा हो तो अपडेट कर लीजिएगा, बस आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मैं सजेशन करूँगा कि आप यहाँ पर सपोर्ट ले लेते हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपके साथ ज़्यादा हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप सपोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। YouTube का सिस्टम जो है बग होता है वो उसको खुद ही फिक्स कर देता है, खुद ही उसको सेट कर देता है। तो ये सिचुएशन में आप इससे टेंशन मत लीजिएगा, अपना काम प्रॉपर तरीके से करिए। एंड हो जाता है कभी कभी 24 घंटे बाद दिखाए या 48 घंटे बाद दिखाए, एटलीस्ट 24 घंटे का तो वेट करिएगा, और सोर्स आएगा तो दिखाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पर व्यूज़ आएंगे नहीं तो नहीं दिखाएगा, अगर आएंगे लगभग हर जगह से तो दिखा देगा। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।